अगर हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या ट्रेडिंग करना है तो कैसे करें, कौन से अकाउंट से करना चाहिए, क्या क्या ज़रूरत होती है इसके लिए, कहाँ से करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आज हम ढूंढेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में आपको पता हो, क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं पता होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है, शेयर होल्डर्स प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं और भी बहुत कुछ। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर से देख लें। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रुचिका पांडे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें विथ बेल आइकन, ताकि जब भी मैं आगे कोई भी बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूं तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है, निवेश करना है, तो उसके लिए कितने प्रकार के अकाउंट होने चाहिए? 3 किस्म के अकाउंट होने चाहिए, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। देखिए, जिस पैसे के साथ हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो पैसे जहाँ पे जमा करते हैं उसे कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब मान लीजिए कि हमारे पास 1,00,000 रुपए हैं और उस 1,00,000 में से 50,000 हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 1,00,000 रुपए को पहले हम कहाँ पे रखेंगे? अपने बैंक अकाउंट में। जी हाँ, हम कोई भी पैसा पहले अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं, फिर उस 1,00,000 से 50,000 जो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस 50,000 को हमें बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे। ट्रांसफ़र कैसे होंगे? आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या चेक के थ्रू भी कर सकते हैं। अब उस 1,00,000 रुपए में से 50,000 रुपए बैंक अकाउंट से हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। अब सपोज करिए कि हमने किसी कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ABC का शेयर खरीदा। शेयर्स खरीद तो लिए, लेकिन अब होता क्या है कि पहले अगर हम शेयर खरीदते थे तो हमें शेयर फिजिकल फॉर्म में मिलते थे जिन्हें हम देख सकते थे, लेकिन अब ज़माना इलेक्ट्रॉनिक का है। हमने शेयर्स खरीदे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिले हमें शेयर्स, दिखाई ही नहीं दिए तो रखे कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जहाँ पे शेयर्स रखे जाते हैं उसे कहते हैं डीमैट अकाउंट, या यूं बोले तो डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, डीमैट अकाउंट का लॉन्ग फॉर्म। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर्स जमा होते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट में शेयर्स जमा कब होते हैं? अगर हमने मंडे को ट्रेड किया है तो मंडे ही वो हमारे डीमैट अकाउंट में जमा नहीं हो जाएंगे। अगर हम मंडे को ट्रेड किए हैं तो ट्यूसडे को नहीं बल्कि वेडनेसडे को हमारे डीमैट अकाउंट में जमा होंगे। इसको कहते हैं T+2 ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट साइकिल। अगर हमने वेडनेसडे को ट्रेड किया है तो थर्सडे को छोड़ के फ्राइडे को हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स जमा हो जाएंगे। बट अगर हमने फ्राइडे को ट्रेडिंग की है तो सैटरडे और संडे शेयर मार्केट की छुट्टी होती है, मतलब कि अगर हमने फ्राइडे को ट्रेड किया है तो मंडे छोड़ के ट्यूसडे को डीमैट अकाउंट में शेयर्स जमा हो जाएंगे। T+2 हमने शेयर्स लिया, शेयर्स के दाम बढ़े, हम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, हमने प्रॉफिट भी बुक कर दिया, हमने शेयर्स को बेच दिया, तो जो पैसा है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जमा होगा। और अगर हम इस पैसे को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में से फिर से पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, मतलब कि जहाँ से हम शेयर्स को परचेज एंड सेल करते हैं वो पैसा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा हम यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ना पड़ा हो। तो बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे शेयर परचेज करने के लिए, और ट्रेडिंग अकाउंट से वापस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उन पैसों को यूज़ करने के लिए। तो इस तरह बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट मार्केट में ऑपरेट होते हैं। अब बैंक अकाउंट, हम सब जानते हैं कि बैंक अकाउंट हम बैंक से ओपन करा सकते हैं, मगर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हम कहाँ से ओपन कराएं? डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट मार्केट में जो खोलने के लिए ऑथोराइज्ड हैं उन्हें कहते हैं शेयर ब्रोकर। हाँ, आपकी बैंक भी आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट दे सकती है, तो मतलब कि आपकी बैंक शेयर ब्रोकर भी है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में इन शॉर्ट हमने समझा कि कितने प्रकार के अकाउंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट वो जहाँ पे ओरिजिनली हम अपना सारा पैसा रखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट वो जहाँ पे हम बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं शेयर परचेज करने के लिए, और डीमैट अकाउंट वो जहाँ पे हमारा परचेस किया हुआ शेयर डीमैट अकाउंट में शो होता है। सो हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।